हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग रहेगा, तो हम जा रहे हैं, मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, तो हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल मेरी दीदी के बेटे का बर्थडे है, कान्हा का, है ना, कल है 12 तारीख, तो उसका बर्थडे है, तो हमने सोचा क्यों ना उसके लिए थोड़ा सा गिफ्ट लाया जाए। और मौसम भी शानदार हो रहा है, मौसम हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि अभी सानवी गई है नानी के घर मम्मी के साथ, उसे आज नानी के घर जाने का चस्का चढ़ा था, तो वो गई है मम्मी के साथ नानी के घर, तो हमने सोचा क्यों ना हम मार्केट हुआ है, क्योंकि उसके साथ ना थोड़ा मैं दिक्कत तो क्या होती है, लेकिन थोड़ा वो देखने नहीं देती, अपनी चीज़ें ले लेती है, फिर हमें भागना पड़ता है कि हाँ चलो उसने ले ली तो हम चलो घर चलते हैं, अब तो हमें वो चीज़ें देखने नहीं देती, इसलिए हम जा रहे हैं अभी मार्केट, और मार्केट तो क्या थोड़ा मॉल यहीं जाएंगे पास ही में, है ना, और जहाँ हमें अच्छा लगे। और तो मौसम दिखाती हूँ आपको, आज का इतना मस्त मौसम हो रहा है, और फिर चलते हैं शॉपिंग की तरफ। ये देखो मौसम, सुबह से इतनी तेज़ बारिश लगी हुई थी ना, तो ये आज का मौसम, ठीक है, बहुत ही शानदार सा, बस मेरे यहाँ से थोड़ा बैक आता है ना, तो पर लगता अच्छा है, मुझे तो बहुत शानदार लगता है, आपको पता नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आजकल बच्चों की 2 दिन की छुट्टियाँ हैं, 10 और 11 की DM ने जो कहा था कि बहुत तेज़ बारिश की वजह से, बिजली की वजह से छुट्टी है बच्चों की, सुबह भाई 5:30 बजे इतनी तेज़ बादल गरजा था, मुझे लगा था कहीं बादल फट गया है, इतनी तेज़ हुई थी। और जैसे हिमाचल का हालत, मतलब बहुत सारी जगहों का हालत बुरी हो रही है बारिश की वजह से, तो उनके लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, कि कहीं इधर उधर जाने की, अगर आपको जो चीज़ें चाहिए उन्हीं चीज़ों के लिए बाहर जाइए, बाकायदा इधर ट्रैवलिंग में तो बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा इस बरसात में। तो चलिए गाइस, फटाफट से मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बस मेरे हस्बैंड थोड़ा वो करते हैं कि रेडी होने के लिए, तो मैं उन्हें फटाफट से मनाती हूँ और फिर चलते हैं शॉपिंग में। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चलिए भालू मुझे कैसे ताड़ते जा रहा है, सब लोग यहाँ अपने अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमने किया है शानू के लिए और कान्हा के लिए इतनी सारी शॉपिंग, सारे खिलौने भर दिए हमने, और कपड़ों में अगर सेल लगी है तो 99 यहाँ सेल लगी है, इतनी ठंड हो गई है देहरादून में। मेरे हस्बैंड ने शानू की और कान्हा की शॉपिंग की, उसके बाद दौड़ ली बस मेरी शॉपिंग के टाइम, वीरान सुनसान जगह पर छोड़ के अपने ऊपर भाग गए हैं। फिर मैं यहाँ ढूंढती हूँ, यहाँ पे 99 में बच्चों की टी शर्टें लगी है बहुत ही शानदार सी, पर मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आता तो इसलिए मैं छोड़ दी। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने यहाँ रेड़ा उठाने के लिए छोड़ दिया है, तो मैं इसे ले लेके ऐसे नाचती रहती इधर तक, मुझे ऐसे छानने के लिए चाहिए थी ग्रीन टॉप पर मिला नहीं। चलिए तब तक वो अपनी कुछ देख के आते, तो हम यहीं घूम लेते हैं, ऐसे मज़े कर लेते हैं कि घूम घूम के क्या है, क्योंकि यार छानी नहीं है ना हमारे साथ, तो मुझे ऐसे अच्छा अच्छा लग रहा है। ये देखा बहुत सारी फ्रॉकें भी हैं बच्चों की, कि अगर देखी जाए तो ठीक ठाक ही है, 300-400 रुपये में पूरा ही घूम लेती हूँ ऐसे, अब ना ढूंढते रहेंगे मुझे, अभी मुझे छोड़ के गए ना ऐसे फट फट से भागते हुए चले गए। देखिए चल मैं ऊपर देख के आता हूँ, मैंने देख के आओ फिर मैं ये रेड़ा रेड़ती हुई ला रही हूँ कि अच्छा चलो ठीक है। अच्छा धीराज पधार रहे हैं, देखो जो मुझे छोड़ के गए ये आदमी, अब वो पधार चुके हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, जा रहे सीधा बिल काटने की तरफ। मुझे ये ड्रेस कब से पसंद आई थी, गायब हो गई ये ब्लैक वाली ड्रेस, पर उन्होंने कह रहे कि जैसी तू है वैसी तुझे पसंद भी है, इसलिए मैं नहीं दिला रहा। तो चले गए बिलिंग के लिए, अब बस मैं यार ड्रेसें से ताड़ती रहती हूँ, मुझे कोई नहीं दिला रहा ऐसी ड्रेसें। 200-200 रुपये में पजामे और ड्रेसें अलग अलग रेट पर हैं, देखो काश मैं भी इतनी पतली हो पाती, पर नहीं ये मोटापा। शाल में भी चल रहा है काम, तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है डन, हम सिर्फ इनके लिए ही आए थे, अभी हमारी शॉपिंग हो गई है डन। वो थैले नहीं देते साले, 16 रुपये के देते कंजक थैले, तो इसलिए हम अपने घर से बिल्कुल थैले लेके आए थे, अपने बैग में लेके आई थी 2 थैले, 2 कैरी बैग और 1 अम्ब्रेला बस टंटना। क्योंकि कोई भी मॉल जाए अपना कैरी बैग लेके जाए, जैसे कि हम लेके आए हैं अपना कैरी बैग, मेरे हस्बैंड ने आगे से रख दिया, तो विशाल वाले तो 16 रुपये का देते हैं कैरी बैग, और तो चलो 6-6 रुपये में दे देते हैं, लेकिन विशाल वाले 16 रुपये का एक कैरी बैग देते हैं, तो अपना कैरी बैग लेके जाए, बहुत सारे होते हैं हमारे पास घर पर, वेस्ट भी होता है, इससे अच्छा कि लेके जाओ घर से। सो गाइस शॉपिंग करने के बाद हम आ चुके हैं सीधा घर, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे खिलाया नहीं,
उन्होंने बोला कि अभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए खिलाता नहीं हूँ तुझे। तो हम सीधा आ गए घर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की। अपने लिए कुछ नहीं की, बस बच्चों की। तो ये लिए मैंने आर्टिस्ट प्लेट जो काना को चाहिए थे वाटर कलर, लेकिन हमें वैसे वाले पेंट वो वाले कलर मिले नहीं, दूसरे पेस्टल वाले। और तो हमने लिया उसके लिए ये 49 रुपीज़ का मात्र, बहुत ही शानदार। एक उसे सानवी का पसंद आया था ये बुक, जिसमें 365 कलर बुक्स है, तो इसमें उसे कलर करना बहुत पसंद है। तो जब मैं पिछली बार गई थी तो मैं उसके कलर्स के डिब्बे लेके गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसी बुक भी चाहिए। तो जब उसने सानवी की देखी तो उसे अच्छी लगी, तो मैं कहा चलो ठीक है तेरे बर्थडे पर मैं लेके आऊँगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को कलर देखने के बाद पता लगेगा कि उसमें कैसा कैसा कलर करना है। जैसे देखो केक्स है, टॉफीज है, और ये बर्ड्स हैं, फिश है, मतलब इसमें बहुत सारे कलर हैं। और बच्चे अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से डेवलप जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे इसमें कलर्स कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए लेकर ये कलर्स और ये बुक, ठीक है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक मुझे पसंद आया था छानवी के ब्लॉग्स, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बर्थडे पे उसको जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं, क्योंकि पैसे अगर मैं दूंगी तो उसकी मम्मी ले लेगी तो फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसकी पसंद की चीज़ें ही क्यों ना मैं उसे दूँ। तो एक मैं उसके लिए लेके आई ब्लॉग्स जो उसे बहुत पसंद आए थे। तो उसने बोला था मासी जब तुम मेरे बर्थडे पे आओगे तो मेरे लिए ब्लॉग्स लेके आना। उसने सिर्फ ब्लॉग्स कहा था कि मेरे लिए ब्लॉग्स लेके आना, ठीक है। और मैंने पूछा और कोई चीज़, तो उसने मना कर दी और कोई चीज़ मत लाना, खाली ब्लॉग्स लेके आना। मैं कहा चल ठीक है। अपनी खुशी से मैंने उसे फिर बुक्स और कलर्स, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये चीज़ें ले लो उसके लिए, तो ये बुक्स और कलर्स और उसके ब्लॉग्स, ठीक है। थर्ड है उसके लिए लिया हमने ये गेम, जिसे ये क्या बोलते हैं, मुझे ऐसे नाम नहीं पता इसका। तो ये बॉल है, इसमें 6 बॉल है और नहीं 6 ये स्टैंडिंग वाले पिलर्स है और एक बॉल है इसमें। तो ये भी मुझे सही लगा था, तो मैं कहा ठीक है। 4 चीज़ें हमने उसके लिए ली है बर्थडे के लिए गिफ्ट्स में। और सनवी के लिए लिया है हमने, उसे चाहिए था एक टेबल जो उसे बेड पे या कहीं पे भी रख के उसे एक की कलर करने के लिए, कोई गेम खेलने के लिए उसे टेबल चाहिए था, तो मैं उसके लिए लेके आई हूँ एक टेबल। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और एक उसके लिए भी मुझे कलर का एक ये चाहिए था पैलेट, तो ये है आर्टिस्ट पैलेट, ठीक है। क्योंकि उसे कलर करने होते हैं ना वाटर कलर, तो वो प्लेटों में रख के करती थी, तो मुझे आज ही मिला। तो मैं कहा ठीक है, कलर्स भी आ गए इसमें और ब्रश भी आ गए और उसके लिए प्लेट भी होगी, तो ये भी मुझे अच्छा लगा उसके हिसाब से। और एक मैंने उसके लिए लिया है, उसके लिए नहीं अपने लिए लिया है लूडो, बस उसे मैं वो ऐसे उसके नाम से लिया है 99 रुपीज़ का, ये भी मुझे सही लगा था। तो मैं कहा चलो ठीक है, कभी कभार ऐसे मन होता है ना कि बारिश हो रही है तो आराम से वो सोई रहती है, तो मुझे मज़ा आता है लूडो खेलने में। तो वैसे तो मैंने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है, पैसे वाला है, लेकिन ऐसे भी खेल सकते हैं हम इसे लूडो को, ठीक है। तो एक सेम ही चीज़ मैंने सानवी के लिए भी ली, तो इसमें भी यही है 6 ये स्टैंडिंग वाले हैं और एक बॉल्स है, नहीं ये कृष्णा का है, ये सानवी का है, क्योंकि उसे स्पाइडर मैन बहुत पसंद है। तो इसके लिए हमने इसके लिए स्पाइडर मैन वाला लिया है और कृष्णा के लिए ये वाला लिया है। तो इसमें भी सेम ही, दोनों का सेम ही प्राइस है, बट ये है कि डिफरेंट है, इसमें थोड़ा अलग अलग कैरेक्टर बना है, इसमें सिर्फ स्पाइडर मैन बना है। तो ये सानवी का है और ये है कृष्णा का। तो इन दोनों का सामान अलग अलग रख देते हैं, जब तक सानवी नानी के घर से आती है तब तक मुझे सारा सामान पैक करना है और उसे साइड करना है, ताकि कल हम उसके बर्थडे के लिए ले जा सके। और उसकी एक्साइटमेंट के लिए मैं बनाऊंगी उसके बर्थडे पे वीडियो, है ना। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैसे लगा बाबू को? अच्छा कलर आ दिए? हाँ हाँ, वो बाद में। हम तो बाबू के लिए बहुत सारा सामान लाने वाले थे और फिर हमें लगा बाबू तो नानी के लिए, इसलिए हम लाए। हाँ न्यू टेबल बाबू की, देखो इसमें क्या है, ये 100 रुपए में तो क्या ही मिलेगा। वाह लूडो, अब हम खेलेंगे।